देखा जाए तो फ्रेंड्स, पतलेपन और दुबलेपन से बहुत लोग परेशान हैं। बहुत से डाइट प्लान, बहुत से एक्सरसाइज फॉलो करने के बाद भी उन्हें अपनी बॉडी में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। कई बार वेट कम होने की वजह से दुबले पतले लोग लोगों में हंसी का कारण बन जाते हैं, जिनकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। ऐसे में उन्हें एंजाइटी और स्ट्रेस को फेस करना पड़ता है। अगर आपका वेट बिना कुछ किए यानी अनजाने में कम हो रहा है, तो आपको माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण होने के सिम्टम्स हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वजन दो कारणों से ही नहीं बढ़ता। पहला कारण है अगर आपको कोई बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी जिसमें आपका वजन घटता ही चला जा रहा है, जैसे कि कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, थायराइड, डायबिटीज, ये कुछ ऐसी डेंजरस बीमारियां हैं जो पतलेपन और दुबलेपन का कारण बन जाती हैं। देखा जाए तो इन बीमारियों के सिम्टम शुरू में काफी लाइट होते हैं, जैसे कि दुबलापन, शरीर में कमजोरी, लेकिन बाद में ये हमारे शरीर को काफी डैमेज करती हैं, जैसे कि हार्ट रेट का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, बॉडी में टेम्परेचर का अनस्टेबल हो जाना। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा, तो पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी बॉडी में कहीं कोई बीमारी तो नहीं। और अगर आपकी बॉडी में बीमारी नहीं है, तो दूसरा कारण हो सकता है आपका प्रॉपर डाइट प्लान ना लेना या एक्सरसाइज ना करना। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है और बिना किसी वजह से ही आपका वेट लॉस हो रहा है, तो इसका रीजन हो सकता है कि आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं। आप जो खाना खाते हैं उसमें प्रॉपर क्वांटिटी में ना ही प्रोटीन है, ना ही कार्बोहाइड्रेट्स और ना ही फैट। अगर आप यह सोचते हैं कि हम जंक फूड खाकर अपना वेट गेन कर सकते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेट गेन तो इससे हो जाएगा, लेकिन आपकी हेल्थ बिल्कुल खराब हो जाएगी। ऐसे में आपको डायबिटीज, इनडाइजेशन, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ऐसे हेल्थ इश्यूज को भी फेस करना पड़ सकता है। आज की वीडियो में हम आपको वेट बढ़ाने के लिए कोई नई चीज नहीं बताएंगे, बल्कि आप जो ऑलरेडी कर रहे हैं उसको सही ढंग से कैसे करें ताकि आपका वजन बढ़ जाए, मैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दूध और केले के बारे में। जब भी वजन को बढ़ाने की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले दूध और केला आता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूध और केले का इस्तेमाल करके उसे छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको फायदा ही नहीं हुआ, उनका वजन ही नहीं बढ़ा। क्या आपको पता है ऐसा क्यों है? दरअसल दोस्तों, हमारी बॉडी को कुछ भी चीज को एब्जॉर्ब करने में कुछ टाइम लगता है, लेकिन हम है कि हर चीज जल्दी चाहते हैं। जैसे कि 2G के बाद 3G इंटरनेट, फिर 4G इंटरनेट, हमें नेट भी तेज चाहिए, हमें हर चीज जिंदगी में जल्दी चाहिए। तो ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि दूध और केला खाएं और मोटे हो जाएं। ऐसा नहीं होता। आपको पूरे 6 महीने, कम से कम 6 महीने इस प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आप ऐसा लगातार 6 महीने करते हैं, तो गारंटी है कि आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग 1 या 2 महीने ही दूध और केले को ट्राई करते हैं, यानी बनाना शेक पीते हैं, और उसके बाद कहेंगे कि हमारा वजन ही नहीं बढ़ा। दोस्तों, आप अगर लगातार 6 महीने दूध और केले को ट्राई करते हैं, तो आपका वजन 100% बढ़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको वजन को बढ़ाना है, तो आपको सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है, और वो ये है कि आपको अपनी जरूरत से ज्यादा कैलोरीज लेनी है। और ये आपको कैलोरीज कहाँ से मिलेगी? ऐसी चीजें जिसमें कैलोरीज ज्यादा हो, जैसे कि दूध और केला। दूध और केला खाने से आपकी बॉडी को एक्सेस कैलोरी मिलेगी, जो कैलोरी आपकी बॉडी में एज अ फैट जमा होती जाएगी और आपका वजन बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके लिए आपकी बॉडी को आपको देने पड़ेंगे 6 महीने। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक रेमेडीज हमें किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देती और हमारी बीमारी को जड़ से खत्म करती हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आयुर्वेदिक रेमेडीज को कभी कभी हमें सालों साल भी लेना पड़ता है, और ऐसे में हम लोग चाहते हैं हर चीज जल्दी हो, इसीलिए हम लोग आयुर्वेदिक रेमेडीज का इस्तेमाल ही नहीं करती। और ऐसे में हम लोग हर बीमारी के लिए डॉक्टर्स के पास जाकर अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं, जिसका हमें साइड इफेक्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो कि आयुर्वेदिक है, आपके लिए बहुत जल्दी से काम करेगी और आपके वजन को कुछ ही महीनों के अंदर बढ़ा देगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शक्ति किंग की। शक्ति किंग जिसे बनाया है काहन आयुर्वेदा ने। दोस्तों, शक्ति किंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हेल्दी तरीके से हमारे वजन को बढ़ाता है और बॉडी को फिट रखता है, वो भी विदाउट साइड इफेक्ट्स, क्योंकि यह 100% आयुर्वेदिक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में वजन बढ़ाने के ऑलरेडी इतने प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें ऐसा क्या खास है? तो चलिए दोस्तों, आपको इसकी खासियत बताते हैं और जानते हैं आखिरकार ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों, अगर आप भी खाते पीते तो बहुत है, लेकिन खाया भी आपके शरीर को नहीं लग रहा, तो आपका डाइजेशन सिस्टम कमजोर है, और कमजोर डाइजेस्टिव सिस्टम के चलते आपको कितनी बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करता, तो आपका वजन नहीं बढ़ता, आपकी सेहत नहीं बनती। आपको जरूरत है आयुर्वेदिक शक्ति किंग की, जिसे तैयार किया गया है शुद्ध और प्राकृतिक जड़ी बूटियों के मिश्रण से। इसके लगातार सेवन से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा, फिर आप कुछ भी खाएंगे तो आपको खाया पिया लगेगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा और आपकी पर्सनैलिटी आगे से बेहतर हो जाएगी और आपका वजन बढ़ने लगेगा। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल किया गया है अश्वगंधा, सफेद मूसली, सिंगाड़ा, शतावरी, काली मूसली, काले तिल, अमलक की, हरित की, इतनी सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपके वजन को तो बढ़ाएंगी ही, साथ ही साथ
आपकी सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकती हैं। चलिए दोस्तों, इन जड़ी बूटियों में से कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है अश्वगंधा। अश्वगंधा दोस्तों आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी औषधि है। अगर आप अश्वगंधा को रेगुलर इनटेक कर रहे हैं तो इससे आपकी ढेरों बीमारियां ठीक होती हैं। मेल्स के अंदर की कमजोरी को यह अश्वगंधा बहुत जल्दी ठीक करती है। अश्वगंधा से वजन तेजी से बढ़ता है। दूसरा इसमें इस्तेमाल किया गया है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा में ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स हैं, इस कारण से ही ये आपकी वजन को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। चलिए दोस्तों, इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों शक्ति किंग आपको कैप्सूल की फॉर्म में मिलता है। इसकी एक बॉक्स में आपको मिलेंगे 60 कैप्सूल्स। चलिए जानते हैं इसके इनटेक के बारे में। हर रोज आपको खाने के बाद एक गिलास पानी के साथ एक कैप्सूल लेना है। आपको ऐसा दिन में दो बार करना है, यानी कि दिन में आप दो बार इस कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से इसके बारे में सलाह भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों इस प्रोडक्ट का MRP है 735 रुपए, जो कि इसके फायदों के मुकाबले में तो बहुत कम है, लेकिन आप इसे और भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर Amazon से और इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.shaktiking.com से भी बाय कर सकते हैं। प्रोडक्ट की ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर्स पर जल्दी से कॉल करें। पहला नंबर है 9999664344, दूसरा नंबर है 9999886112। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और अपने घर पर मंगवाएं शक्ति की। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वजन को बढ़ाने के लिए दूसरी बड़ी चीज है किशमिश और अंजीर। दोस्तों इनमें पाया जाने वाला ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। अंजीर में पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, जो कि अच्छी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। आप अंजीर और किशमिश को रात में भिगोकर सुबह और शाम इसे खा सकते हैं और आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपका वजन बढ़ने लगेगा। वजन को बढ़ाने के लिए जो तीसरी चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो है घी। दोस्तों घी के बारे में सबसे बड़ी बात ये जानने की है कि इसे लेना किस तरह से है, क्योंकि जब भी हमें लगता है कि वजन को बढ़ाना हो तो घी खाना शुरू कर दो। लेकिन दोस्तों ज्यादा घी खाने से वजन बढ़े ना बढ़े, लेकिन हेल्थ इश्यू जरूर आ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग आजकल एक्सरसाइज नहीं करते, जिस कारण से ये घी हमारी बॉडी में अच्छे से नहीं बच पाता। अगर आप घी के जरिए अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रात को सोने से पहले 1 चम्मच गाय के घी का 1 गिलास दूध के साथ में लेना है। ऐसा आपको लगातार 3 महीने करना है और आप देखेंगे आपका वजन 10 से 15 किलो तक बढ़ जाएगा। दोस्तों वजन को बढ़ाने के लिए घी का इस तरह से ही इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका वजन बढ़े। इसके अलावा दोस्तों आपको ऐसी डाइट खानी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा हो। ऐसे में आप चाहें तो छुहारे खा सकते हैं। 2 से 3 छुहारे को अगर दूध में उबालकर रात को सोने से पहले लगातार 2 से 3 महीने लिया जाए तो वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। दोस्तों आप चाहें तो गाय या भैंस के दूध की जगह कोकोनट मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट मिल्क आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, इसलिए जो इसे अफोर्ड कर सकता है वो कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपका वजन जल्दी बढ़ेगा। तो देखा दोस्तों, आज मैंने आपको वो रेमेडीज बताई जो ऑलरेडी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा गलत तरीके से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज का हेल्थ एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड्स लाते रहें। अगर आपको डायबिटीज है, थायराइड है, आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, घुटनों का दर्द ठीक करना चाहते हैं, तो इन सभी केसेस में आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को विजिट कीजिए। इसमें हमने हर हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आपको आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस बताए हैं। उन्हें अपनाने से आप अपनी सारी बीमारियों को बिना डॉक्टर्स के पास जाए घर में पड़ी हुई चीजों से आयुर्वेदिक तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को विजिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नए एपिसोड में। धन्यवाद।